हाँ जी, तो दिस इज नाउ वी आर टू स्टार्ट विद अवर फोर्थ चैप्टर फ्रॉम यूनिट नंबर वन, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट्स द लास्ट चैप्टर फॉर टर्म वन सिलेबस वी आर लेफ्ट विद. एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग टाइप ऑफ अ चैप्टर. फ्रॉम दिस अगेन द एमसीक्यूज कैन बी बिल्ट एज मेनी, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं और ये सारे स्कोरिंग ही होते हैं. ठीक है, ये चैप्टर मोस्ट स्कोरिंग रहा है अभी तक बच्चों के लिए. सो दिस इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ दिस इज द फोर्थ चैप्टर आफ्टर व्हेन यू स्टडी द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वी कम टू दिस चैप्टर दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, व्हाट सिग्निफाइज दिस, मतलब इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या सिग्निफाई होता है, बताओ. रिप्रोडक्शन में दैट इज बोथ द चाइल्ड एज वेल एज द मदर. ठीक है, जो बर्थ ले रहा है, जो बर्थ दे रहा है, इन दोनों की हेल्थ की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, सो दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट. रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट वाज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली इन द ह्यूमन, सॉरी इंडियन सिनारियो जो अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इलिटरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, द पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट द हेल्थ शुड बी एंड वॉट इज एक्चुअली द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड और वॉट इज द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द चाइल्ड बिफोर मैरिज. अगर मतलब बिफोर द एज, एक प्रोमिनेंट एज के पहले अगर मैरिज हो जाता है, उसके क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या उसमें सोल्यूशंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं लोग उसको लेके अनअवेयर. ठीक है, दैट इज वाई दिस चैप्टर हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन दैट इज फॉर्मल इज वेन यू सिट इन द क्लासरूम्स एंड यू आर गेटिंग इट एज अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस. ठीक है, वो होती है फॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल होता है व्हेन यू आर गेटिंग द नॉलेज थ्रू द अदर सोर्सेज, लाइक थ्रू द न्यूज़पेपर्स, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट्स इन द टीवी चैनल्स. ठीक है, तो वो सारा होता है हमारे पास इनफॉर्मल मेथड ऑफ गिविंग दिस अवेयरनेस. ओके, सो दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन जस्ट टू हैव द नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स. And also to spread this awareness among the other illiterate people to which you come across, right? So that is why it has been made a part of your syllabus, okay? Your formal education, right? Coming to सबसे पहले reproductive health को बरकरार रखने के लिए एक program launch किया गया था by the government and that was a RCH program. What is this RCH? That is a Reproductive and Child Health Care Program, right? This is Reproductive and Child Health Care Program. Why we are concerning here? Mainly the reproductive health and the child health, mainly. ठीक है, एक तो हम reproductive health की बात कर रहे हैं बार बार, एक हम यहाँ पे child health की बात कर रहे हैं. That is, we are talking about the newborn who is going to get the birth. Why we are talking about the health of these two mainly, why this is the main concern here in the RCH program or why it has been a main concern of the government. Many governmental and non-governmental organizations, they are spreading the awareness in this. In the TV channels also you might have seen ki bahut sari advertisements aati rehti in cheezon ke upar, hai na, like the barrier methods for spreading the knowledge to the people ki ye jo sari jo ek reproductive health ki jo condition hai वो सही होनी चाहिए हमारे इंडिया में. ठीक है, व्हाई इट हैज बीन अ कंसर्न, बिकॉज इट इज अकंपेंड विद व्हाई द हेल्थ ऑफ द रिप्रोडक्टिव बॉडी, दैट इज द रिप्रोडक्टिव बॉडी मींस द मदर, ओके, मैटर्नल हेल्थ, ओके, एंड द चाइल्ड हेल्थ. व्हाई दीज टू आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स विच आर कंसर्न विद दैट इफ दीज टू आर नॉट गिवन द प्रोमिनेंट और द प्रॉपर केयर. क्या प्रॉब्लम्स कंसर्न हो सकती हैं अगर इन दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले तो इलिटरेसी की वजह से, है ना, लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, अर्ली चाइल्ड मैरिज कर देते हैं वो. ठीक है, सो उनके ऊपर क्या है, पहले तो चाइल्ड मैरिजेस का यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. चाइल्ड मैरिज की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं चाइल्ड मैरिज की वजह से? हाँ, यहाँ पे एक तो मदर की हेल्थ, क्योंकि मदर ऑलरेडी खुद भी एक किड है और उसी टाइम पे इफ शी कंसीव्स एंड इफ शी गिव्स बर्थ टू द अदर किड, तो वहां पे उनका एक तो मेंटल जो लेवल है, मेंटल बैलेंस जो है वो तैयार नहीं होता.
बॉडी जो है चाइल्ड मैरिज के टाइम पे, जो फीमेल की बॉडी है, मदर की बॉडी है, वो प्रॉपरली बनी नहीं हुई है अभी, तो वो भी अंडर डेवलपमेंट है, और बीच उसमें क्या है, उसी बॉडी के अंदर एक और फिटस डेवलप कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, है ना, दैट कैन हिंडर द ग्रोथ ऑफ द मदर एज वेल एज दैट कैन हिंडर द ग्रोथ ऑफ द फिटस. तो चाइल्ड मैरिज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट. सेकेंड नंबर पे यही लिखेंगे आप, दैट इज द किड्स, दे आर गिविंग बर्थ टू द अनदर किड्स, है ना, दैट इज अर्ली एजेस में जो बर्थ है वो दिया जा रहा है, दैट इज अर्ली एज पेटर्निटी. मतलब पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत लेस एज के हैं, दे कांट हैंडल देयर ओन मेंटल एज वेल एज देयर यू कैन से सोशल मेंटल फिजिकल स्ट्रेसेस, एंड दे आर गेटिंग द न्यू बॉर्न इन देयर लाइफ, एंड हाउ कैन दे हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस एज वेल. ठीक है, क्लियर. इलिटरेसी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी इज अनदर प्रॉब्लम, because of which the people unaware of the facts that this should not be done, hai na, yahan pe jo marriage hai, child marriage hai, wo nahi honi chahiye, child marriage ke baad giving birth to the child wo nahi hona chahiye, to illiteracy, unawareness, you can make unawareness or the illiteracy that is maximum in the Indian population, clear, unawareness also to that of the birth control methods or the contraceptive methods, birth control methods, right, this may lead to their mental stresses as well, hai na, mental disorders aa jayenge, mental stress ho sakta hai, aur fetus jo hai wo puri tarah se mental stress of what, that is of the parents, the kids or the children, those who have become the parents in their early ages, so that is they may also face the मेंटल स्ट्रेस, है ना, मेंटल स्ट्रेस तो ऑब्वियस है, देखो एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से न्यू बॉर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेकिंग अप ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. एक पॉइंट अभी मैंने बोला था, अर्ली एज पेटर्निटी में मदर अभी तक खुद ही उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो फीटस की बॉडी में डिसऑर्डर्स आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो फीटस बॉडी कॉम्प्लेक्सिटीज that can be a problem which is generated because of the early marriages, child marriages, hai na, so these are some of the problems which are concerned, and due to these problems this governmental you can say program has been now taking place, that is the reproductive and child health care program, theek hai, to reproductive health as well as the child health care program. अब ये प्रॉब्लम आई क्यों, यहाँ पे इतना ज्यादा हम कह रहे हैं कि ये इलिटरेसी है, चाइल्ड मैरिज में हो जाता है, यहाँ तो रीजन हम ये दे सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज और अर्ली एज में इलिटरेसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है ना, पावर्टी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, पावर्टी है, गरीबी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है. अब जब हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, आगे गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस दे रही है, बट स्टिल द पीपल दे आर नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर सोर्सेस, वो भी हम दे सकते हैं, पावर्टी एक पॉइंट लिख सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं ना, तो दे आर नॉट हैविंग दोज सोर्सेस जहां पे हम कह सके कि एड ऑन कर सके टू द नॉन गवर्नमेंटल स्टेप्स विच आर टेकन, राइट. ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ इन प्रॉब्लम्स की वजह से एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम है वो भी आ रही है, दैट इज to other people, those who are educated, to other people, those who are aware, they are also suffering with one of the problems, and that is the population explosion in the society. What is this population explosion? That is a, you can say, a big increase, a huge increase in the count of the human beings. Population here, that is of only the human beings. ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी की. क्यों ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? नंबर वन इज दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, है ना, ये सारी रीजंस जो हमने पहले करी हैं, ऑल दीज रीजंस विच वी हैव फर्स्ट एनलिस्टेड, दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, पहले ही वो इलिटरेसी की वजह से उनको कुछ नहीं पता है, एंड दे आर गेटिंग मैरिड एंड गेटिंग पेरेंटल हुड, है ना, they are getting the parental hood in their you can say life.
इन सब चीजों की वजह से ये दो मेन, दो नहीं तीन, ये तीन मेन रीजंस की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. सेकंड, वी कैन आल्सो कंसर्न इट विद द डिक्लाइनेशन इन द डेथ रेट. डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हो रहा है बताओ? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ना. सो डिक्लाइन डेथ रेट, डेथ रेट कम हो रहा है. बर्थ रेट प्रोग्रेशन में, यानी कि इट इज प्रोग्रेसिंग स्लोली सही, बट इट इज प्रोग्रेसिंग अमंग द एजुकेटेड वंस एंड इट इज हाईली प्रोग्रेसिंग इन द अनएजुकेटेड वंस, है ना. सो दैट इज डिक्लाइनेशन इन द डेथ रेट बट इंक्रीज इन द बर्थ रेट. बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है. पॉपुलेशन अल्टीमेटली बढ़ रही है. क्लियर हुए ये दोनों पॉइंट्स? डेथ रेट कम हो रहा है, द पीपल दोज वर डाइंग दैट इज लेस, काउंट ऑफ द पीपल दोज वर डाइंग बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजीज, है ना. एजेस दे आर बीइंग एक्सटेंडिंग, वो तो चलो है ही है कि एक नेचुरल डेथ है और जितनी एज लिखी है हर बंदे की उतनी भी मिलनी है उसको डेथ मिलनी है, ठीक है. बट टू सम एक्सटेंट दैट हैज बीन, यू कैन से द डेथ रेट हैज बीन कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट. तो कुछ तो फायदा हुआ है ना मेडिकल स्ट्रीम का. आप देखो, आप लोगों ने मेडिकल लिया है यही सोच के लिया है ना, तो वी विल बी सेविंग सम पीपल, है ना. विल बी बिकमिंग अ डॉक्टर एंड वी विल बी सेविंग सम पीपल, है ना. तो दैट इज अ डिक्लाइनेशन इन द डेथ रेट. बट देयर इज इंक्रीज इन द बर्थ रेट बिकॉज अगेन द पीपल दे आर अनअवेयर ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स. देयर इज अनअवेयरनेस अमंगेस्ट द पीपल रिलेटेड टू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स बर्थ कंट्रोल मेथड्स को लेके स्टिल यहाँ पे अनअवेयरनेस है, जिस वजह से बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. स्लो ही सही लेकिन इंक्रीज हो रहा है ना. क्लियर? सो बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज पॉइंट्स देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड दैट इज अगेन क्रिएटिंग मेजर ऑफ द डिफेक्ट्स इन आवर सोसाइटी. What kind of the challenges are you facing because of this? Because of the population explosion, what type of the disadvantages of this population explosion or the challenges of the population explosion are you people facing? हाँ जी बताओ. Expensiveness. As in what form? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, है ना. तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली चीजें जो है वो महंगी करके भी डाली जाएंगी तो लोग लेंगे, है ना. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, व्हाट कैन बी द लैक ऑफ रिसोर्सेज? यू आर गेटिंग द लेस ऑफ द रिसोर्सेज टू यू. यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है उसकी अवेलेबिलिटी टू द पॉपुलेशन वो कम हो रही है ना. वेरी राइट. और हाँ जी, और लैक ऑफ रिसोर्सेज में तो एक रिसोर्स तो यही पड़ गया, दैट इज इलिटरेसी, है ना. लोगों को पढ़ने के लिए जो है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर सब कुछ चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है ना. उनको ये चीजें समझने के लिए, ये सारी चीजें देखने के लिए, समझने के लिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए ये चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही. देयर इज अ बिग कॉम्पिटिशन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? There is a competition, competition of as a whole. अगर हम ये कोरोना का ही बात करें, ये कोरोना डेज हमारे चल रहे हैं ना, टू ईयर्स हैव बीन देयर. सो ये कोरोना में क्या हुआ? अभी रिसेंट क्या हुआ? ये सेकेंड वेव आया था, क्या हुआ? पेशेंट्स का काउंट बढ़ गया, हॉस्पिटल्स का अवेलेबिलिटी कम हो गया, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, है ना. तो जब कॉम्पिटिशन बढ़ गया, वन हैज टू विन, वन हैज टू सफर. द वन हु इज विनिंग इज सर्वाइविंग, द वन हु इज सफरिंग इज डाइंग. खत्म, है ना. ये तो चलो एक सीन अलग है जहां पे हम लोग एक कैलेमिटी की बात कर रहे हैं, मतलब एक नेचुरल डेथ्स की बात कर रहे हैं, एक नेचुरल प्रॉब्लम पैंडेमिक की बात कर रहे हैं. बट अदरवाइज दिस इज इन नॉर्मल इन जनरल कंडीशंस, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द पीपल हैव टू सफर अ लॉट इन जनरल. इन शॉर्ट, बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द पीपल हैव टू सफर अ लॉट. और जब इतना ज्यादा सफरिंग हो रहा है तो क्या करना चाहिए? इतना ज्यादा हम स्ट्रेस्ड हैं, अगर हमें पता है कि इतने रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. आपको आज की डेट में ही हम देखें बाहर निकल के तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन,
अगर आप थोड़े 10-20 साल आगे जाके सोचोगे तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए, है ना। सो दैट इज अ कंसर्न, दैट इज अ मेन कंसर्न फॉर स्पेशली द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु हैव टू टेक एन एक्शन फॉर दिस। द ओनली वन थिंग दे कैन डू इज दे कैन टीच द पीपल। सिर्फ एक ही चीज कर सकते थे, ये लोगों को अवेयर करा सकते थे। यहाँ पे भी हमने अनअवेयरनेस लिखा है, यहाँ पे भी हमने अनअवेयरनेस लिखा है, और मैंने जब ये टॉपिक बोला था तो मैंने बताया कि सिर्फ एक यही एक प्रॉब्लम है जहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स कंसर्न, दिस इज ओनली वन अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। अनअवेयरनेस किस चीज की? एक तो इस चीज की कि हमारे को ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, दूसरा कि बर्थ कंट्रोल किया कैसे जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं, है ना। तो ये चीज के लिए अनअवेयरनेस की वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही। जस्ट फॉर दैट गवर्नमेंट अलोंग विद सम ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशंस, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोग्राम दैट इज RCH प्रोग्राम, राइट, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दे हैव प्रोवाइडेड एन अवेयरनेस थ्रू द formal as well as informal type of education, that what are the contraceptive methods, how they can be used, what are those, okay, and so that there can be a pause, there can be a simple stoppage to this explosion, okay. Now what are the various methods by which the control can be made on the population, that is the next topic. What are the methods of contraception, contraceptive methods, contraceptive methods also called as birth control methods, birth control methods. Birth control के लिए provided दो तरह के हमारे पास methods हैं, ठीक है, that is one are the natural methods and what are the artificial methods. Natural methods of contraception and artificial methods of contraception. So what are the various artificial and the natural methods that we have to study here? Natural methods are 3 in number, and in your subjective papers it was the most important question. What are the 3 natural methods? One is periodic abstinence. We'll be explaining these one by one. First, you just make a list of this. One is periodic abstinence. Second is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. And the last is coitus interruptus. Periodic abstinence is also called as a rhythm method. This is also called as rhythm method. And the last one, that is coitus interruptus, that is also called as withdrawal method. So if you are not aware of these words, आपको अगर नहीं याद रहते, बट अगेन द सेम थिंग दैट इन योर एमसीक्यूज यू कांट टेक द रिस्क, ओके, यू हैव टू लर्न ऑल द टर्म्स, ओके, यू कांट टेक द रिस्क। सो दिस इज विथड्रॉल मेथड, कॉमनली कॉल्ड एज विथड्रॉल मेथड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट आर द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नंबर वन इज अ बैरियर मेथड that you have studied in your 10th also. So this is number one is a barrier method. Number two is the use of IUDs, that is intrauterine devices. IUDs or IUCD, that is intrauterine contraceptive device. ठीक है, तो इसमें दोनों तरह से लिख सकते हैं आप, दिस इज आईयूडी, ठीक है, इंट्रायूटराइन डिवाइस, और यू कैन आल्सो राइट इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस,
IUCD, both ways it is correct. Okay. The next is the use of eye pills, that is the tablets. Right? Tablets, eye pills, chemical method, you can write this as chemical method. Then is surgical method. Surgically, the male and the female reproductive systems, they are surgically treated so that the fertilization can be hindered. Okay, so this is surgical method. Okay, so these are a few of the listed methods of contraception, natural and artificial. So we have to start first with the natural methods of contraception, right? So this is just a small little chapter. This does not have much of the details and much of the things. Like, it is only a general knowledge kind of, just to create an awareness kind of the chapter. Okay, so starting with the first, that is the natural methods of contraception. Natural methods of contraception mein, first method is that of abstinence, that is periodic abstinence. As the name is saying, periodic. Periodic means that is for a special period of the menstrual cycle, right? So this is the first, periodic abstinence. Here what is done is, we say that the menstrual cycle that starts and it lasts for, we have studied it in the chapter of human reproduction. Okay, human reproduction ka last topic tha, menstrual cycle. Hame pata hai ki that is a 28 days cycle. That is a menstrual cycle, hai na? In this, it is known to us that on the 14th day, on day 14th of the menstrual cycle, the ovulation takes place. This is known to us. Ye hame pata hai. Theek hai? We already know this, right? And if it is done on, the ovulation is done on the 14th day, means at this particular time, the ova can go and meet with the male gametes and will perform the fertilization, and hence the further implantation and hence the fetus development may start. है ना? तो बाकी changes जो हैं वो आ जाएंगे. तो यहाँ पे naturally एक चीज बोला है कि अगर इस time के दौरान जो coitus है, coitus means that is the male and the female gametes का अगर mixing है, ठीक है, वो possibly अगर hinder कर दिया जाए just 2-3 days before it and 2-3 days after this period. 14th डे से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद, तो अगर ये नोटिस रख के, अगर माइंड में रख के, इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 10th to 17th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ नो कोइटस, नो कॉपुलेशन इज टेकिंग प्लेस, देन डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो मीन्स वॉट कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो है दैट शुड बी, वन सेकेंड, हाँ जी, सो मीन्स दैट दिस पीरियोडिक एब्सटिनेंस मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ कोइटस और कॉपुलेशन शुड नॉट बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग दीज डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? सो इस पीरियड के दौरान दिस शुड बी स्टॉप्ड, द कोइटस शुड बी स्टॉप्ड, नो कोइटस, no copulation. If these do not happen during this period, no fertilization will take place, and hence this is no fertilization. If no fertilization, hence childbirth will be controlled. That is periodic abstinence. That is why we also call it as rhythm method. This is rhythm method. Why we call it as rhythm? That is, the coitus can be taking from the 1st to 9th day, or from 18th to 28th day, the coitus may take place, right? But no fertilization will take place during those times also. Okay, so that is periodic abstinence. Clear? Coming to the second method of this, what is the second method? That is lactational amenorrhea. As again the name is saying, lactational.
means we are saying for the period of the mother when the mother is lactating, that is giving the feed to the young ones. Okay, so this is lactational amenorrhea. For lactational amenorrhea, during the time period the mother is lactating, for the time period the mother is lactating, mother is feeding the young one, for that time period it is itself a natural barrier, because during this time period when the mother is feeding the young one, during this time period the ova is not formed. Okay, the ova is not formed and hence it will not undergo the fertilization. So that is lactational amenorrhea. That's a natural thing in the body. For the time period the mother is lactating, that may be in weeks or in months or in years. So for that particular time, there is no production of the ova and hence no fertilization takes place. Okay. And the last is coitus interruptus or the withdrawal method. Now that is the third method, natural one. That is coitus interruptus. This is third method, coitus interruptus. Again, the name says that the coitus should be interrupted. Hai na? Meaning to ye hua, coitus should be interrupted. Coitus interruptus. In other words, what is the other name for this? This is called as withdrawal method. Means what? Means that when there is a release or ejaculation of the male gametes from the penis of the male reproductive system into the vagina, that should be withdrawn out from the vagina, right? The penis should be withdrawn out from the vagina so that the release of male gametes is not made in vagina, so that stops it. Right, that controls the birth or fertilization. Clear? So these are the three of the natural methods, and artificial ones we will be starting tomorrow. Anybody having any questions?